लगता है। छोड़ दो इंची, छोड़ दो। यार ये जो है ना स्टिक इस केज में नहीं लगाई थी मैंने, क्योंकि मिल नहीं रही थी, ढूंढ रहा था, ये स्टिक नहीं मिल रही थी। अभी मुझे ये स्टिक मिली है और मैं जो है ना इस स्टिक को इस केज में जो है ना लगाने जा रहा हूँ। एंड रिहान से यार कुछ कह दो, रिहान सुनो नीचे एक इतना बड़ा कटोरा रखा है, उड़ाते लाना। क्योंकि यार ये देखो ये वाला कटोरा फेंके दे रहे हैं ना लाने का। हाँ लेते आना, हाँ ले आओगे ना कितनी देर में आओगे? हाँ तो लेके आना, लेते आना। तो गाइज़ अभी क्या है कि इनको लगाए हुए तकरीबन जो है ना मुझे 2 दिन हुए हैं। कोई यार उसे पूछा था कि भाई इन केज का साइज़ क्या है, तो भाई ये 3 फीट लंबे हैं और तकरीबन इनकी जो हाइट है वो 2 फीट के आसपास है ना। इतना एक पेयर कॉकटेल के लिए, ब्रीडिंग के लिए इनफ रहता है, ठीक है। इतने में जो है ना अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, ब्रीडिंग अच्छे से कर सकते हैं। ब्रीडिंग करने के बाद में हम इनको बड़ी एवेरी में छोड़ देंगे। अभी तो फिलहाल बस ब्रीडिंग के लिए इनको यहाँ पर हमने रखा हुआ है ना। देख रहे हैं वो स्टिक थोड़ी सही नहीं है और वो लगी हुई है, तो इस पर ये सही से बैठ भी नहीं पा रहे हैं। तो अभी रिहान आ जाए फिर उसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर लगाऊंगा कॉकटेल। जैसा कि मैंने आपसे लवर्स जैसे मैंने आपसे बताया था भाई, हमें जो है ना हटाना था, मतलब इस केस से निकाल करके सारे इधर शिफ्ट कर दिए हैं, सारे के सारे। क्यों कर दिए हैं? क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए इनके बॉक्स हटाए हुए हैं मैंने, वो जो वहाँ पे बॉक्स टाइम में रखे हुए हैं। कुछ टाइम तक बॉक्स हटे रहेंगे और फिर उसके बाद जो है ना हम इनको इसके अंदर छोड़ देंगे, वापस से ब्रीडिंग बॉक्स देंगे। क्योंकि जो मेरे पट्टे थे वो भी रेडी हो जाएंगे यार, तब तक ही तैयार हो जाएंगे बहुत अच्छे से ब्रीडिंग करने के लिए, एकदम तैयार हो जाएंगे, ब्रीडिंग पे आ जाएंगे। तो फिर जब हम बॉक्स देंगे तो कई पेयर फिर ब्रीड करेंगे। अभी मेरे पास कितने, 2, 4, 6 पेयर है मेरे पास, नहीं सॉरी 6 कह रहा हूँ, 2, 4 पेयर है मेरे पास, है ना, 4 पेयर हैं, 4 पेयर बहुत हैं। तो चलिए हम जो है ना इसके अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस अभी हमने जो है ना इस स्टिक को लगा दिया है इसके अंदर इनके बैठने के लिए। अब अच्छा रहेगा, आराम से ये जो है ना इस स्टिक पर बैठ जाएंगे रिलैक्स होकर के। तो गाइस अभी एवेरी के अंदर बैठा हुआ था यार, इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे ना लव बर्ड्स की दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए बाहर निकल कर आना पड़ा। लव बर्ड्स यार बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, अभी आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, कुछ कहने को नहीं। अभी 5-6 मतलब 8-10 लव बर्ड्स ही हैं, इतना ज़्यादा शोर कर रहे हैं। सोचो जिनके पास हवेली होती होगी वो क्या करते होंगे, मतलब एकदम सर पे उठाए हुए हैं। तो हमने अब मेरा जो कॉकटेल है उसको हमने स्टिक दे दी है और वो अभी आप देखिए स्टिक के ऊपर आराम से बैठा हुआ है।
सीट पर आराम से बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है। और बस थोड़ा सा यार अभी टाइम लगेगा इनको थोड़ा सा एडजस्ट होने में, कुछ टाइम में ये एकदम अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे और तब जो है ना हम इनको ब्रीडिंग बॉक्स देंगे। अभी नहीं देंगे, तकरीबन थोड़ा टाइम लगेगा इनको ब्रीडिंग बॉक्स देने का। और यार मेरा एक मन कर रहा था कि मैं इनको सिंगल केज को नीचे उठा करके रख लूँ, मतलब नीचे वाले जहाँ पर सबसे पहले मैंने जहाँ से स्टार्टिंग करी थी बर्ड्स रखने की, वहाँ पे रख लूँ। लेकिन फिर सोच रहा हूँ कि यार यहीं पर ही रहने देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, कुछ टाइम बाद जो है ना इस पर डिसीज़न लेंगे। और अभी जो हमारे बर्ड्स हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, जो सिंगल केज के कॉकटेल हैं एक पेयर वो अंदर रखा हुआ है। और यार मैं सोच रहा था कि जो है ना प्रैक्टिकल के लिए जो मेरे पास 25 पैरेट्स हैं वो जो है ना उनको हम इस फरवरी के अंदर छोड़ दें, लेकिन अभी ऐसा कुछ जो है ना, क्योंकि दो वहाँ पर हमने बजरी जो है ना लव बर्ड्स के साथ में रखी हुई हैं, और लव बर्ड्स कई बार बजरियों को जो है ना घायल कर देते हैं और वो बेचारी एकदम शांत जो है ना सुकून के साथ चुप पे वहाँ पे बैठी हुई हैं। तो कल हो सकता है, कल में भी मैं जो है ना उनको इस केज में यहाँ अंदर वाल ला करके यहाँ पे छोड़ूँ, है ना, यहाँ पे हम उनको छोड़ेंगे कल ला करके। शायद अगर वो पीछे का पोर्शन सही करते बन गया हम लोगों को तो हम ऐसा करेंगे। एंड अभी आप देख रहे हैं कल संडे है तो कल पूरा केज वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दूंगा, साफ़ सुथरा एकदम। अभी थोड़ा सा जो है ना गंदा हो रहा है, बस फिर एक बार कॉकटेल अच्छे से ब्रीड कर दें तो मज़ा आ जाएगा यार, क्योंकि लवबर्ड्स ने भी ब्रीड किया हुआ है, वो भी अच्छे से ब्रीड कर रहे हैं। बजी फेरेट तो पहले ही करते थे, जावा का भी चल रहा है ठीक ठाक है, जावा भी जल्दी जो है ना ब्रीड कर देंगे। बस बारी है लवबर्ड्स की। खरगोश के लिए ईशान नाशपाती लेकर के आया है। ईशान नाशपाती खिलाया जाए रैबिट्स को, चलो गेट खोलो, आज जो है ना नाशपाती रैबिट्स को खिलाएंगे हम लोग। लो पकड़ो राबी, आओ राबी, आओ नाशपाती खिलाते हैं, यही बाहर से खिलाना, बाहर से गेट खोलो, गेट खोलो, गेट पूरा गेट खोलो, हटो बस बस इधर से आइए, आप इधर से आइए, बस यहीं पे, यहीं पे शान, यहीं पे आओ 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 आओ, बुलाओ ईशान, यहीं बुलाओ, यहीं देना नहीं, नीचे ना देना, ऊपर ही आना, तो ऊपर आना, ऊपर बुला लो, ऊपर ऊपर बुला लो, बाहर उठा, बाहर उठा, बाहर उठा लो, लो पकड़ो, कौन छुएगा, हाँ तो छू लेना ना, ईशान पकड़ नहीं पाता है क्या, भूल गया लग रहा है, छोड़ दो नीचे, छोड़ दो, ले ले ले, दोरा भी खिलाओ, इधर इधर आओ खिलाओ, दो दो, रहने दो ईशान, मत तोड़ उसको, उसको वहीं रहने दो ईशान, वहीं रहने दो उसको, अभी इधर से आइए, देख लो जाल बंद हो रहा है, इधर जाओ, इधर से घूम जाओ, इधर जाओ, रहने दो ईशान, वहीं खिला दो, लो नाश्ता लो, वही खिलाओ, वही लेके खड़े रहो, अभी आ जाएगा, रहने दो उसको, पकड़ो, परेशान ना करो, सुनो इसमें डाल दो, इसमें तसले में रख दो, इसके खाने वाले बर्तन में रख दो, हाँ हाँ बाहर आ जाओ, अभी आ जाएगा, अभी इधर आओ, देखे ये खा रहा है, ये देखो खा रहा है ना, भूखा था तभी कह रहा था, वो वाला अंदर चला गया डर के ना, ईशान पकड़ रहा था तभी, आ आ आ आ, बुलाओ 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 बुलाओ, पकड़ो नहीं ये वाले को, भी अंदर ही छोड़ दो, सुनो अंदर छोड़ दो, वरना नाशपाती रखो तब वो वाला भी आ जाएगा, ये वाला अंदर छोड़ दो, हाँ छोड़ दो अंदर वाले, बाहर से ही देखना, अंदर मत जाना, बस हट जाओ ईशान, हट जाओ, आ जाओ, वो देखो वो खा रहा है ना, अभी इसको देख के आएगा वो भी खाने लगेगा,
हाँ रोटी मुर्गी डाल दो, तोड़ दो, तोड़ के डाल दो।